दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर साइंस के डोज में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तो तैयारी में लगे रहिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए देखते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज साइंस के डोज का ये छठवां लेक्चर है और इसमें देखने वाले हैं हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जैसा कि हम पहले से इस सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो बताइए, पानी में हवा का बुलबुला, देखा है ना जब हम साबुन से कपड़े वगैरह धोते हैं तो वहाँ पे हवा के बुलबुले बन जाते हैं पानी में, और वैसे भी तालाब वगैरह में देखा होगा बुलबुले बन जाते हैं। तो बताइए वह कैसे काम करता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो बताइए कैसा दिखता है, क्या है इसका राइट आंसर? तो वह दिखता है अवतल लेंस जैसा। ठीक है, तो जो पानी में हवा का बुलबुला होता है वह कैसे काम करता है, जैसे कि अवतल लेंस। अवतल लेंस को दोस्तों अपसारी लेंस भी कहते हैं, कभी कभी ऑप्शन में अगर यह आ जाए अपसारी लेंस। ठीक है दोस्तों, याद रखना अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले कुछ क्वेश्चंस में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, कि अवतल दर्पण जो होता है वह डाइवर्ज करने का काम करता है, फैलाने का। जैसे कि मैंने बताया इसका यूज कहाँ होता है, अवतल दर्पण का, दर्पण का यूज होता है स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में बताया था मैंने, स्ट्रीट लाइट में उसका प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ऑप्टर, डायोप्टर, ल्यूमेन या लक्स? तो क्या होता है लेंस की क्षमता का मात्रक? आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन रंग मूल रंग हैं, बताइए। कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसे पूछा जाता है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, ठीक है, या तीन रंग मूल रंग कौन से हैं। तो यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो बताइए कौन से होते हैं हमारे तीन मूल रंग, नीला पीला और लाल, नीला हरा और लाल, पीला हरा और लाल, नीला पीला और हरा। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊं, आप कभी नहीं भूलोगे। तो हमारे जो प्राथमिक कलर होते हैं वो होते हैं हमारे RGB, ठीक है, RGB को कैसे याद रखोगे, RCB से रख लो, रॉयल चैलेंजर बंगलोर, ठीक है, विराट कोहली की टीम, ठीक है, RGB, जैसे RGB या RCB है वहाँ RGB। तो RGB से होगा हमारा रेड, ठीक है, ग्रीन और ब्लू, तो लाल हरा और नीला। तो कौन सा हमारा राइट आंसर, लाल हरा और नीला। इसमें दिया है हमारा, एक मिनट, इसमें पीला है, ये नहीं है, लाल हरा और नीला, हाँ ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखना RGB। चलिए आगे देखते हैं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो कौन सा हमारा प्रकाश होता है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला? तो बताइए, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है, इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमारे चार कलर हैं, हमें उनमें से बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में, हमारा एक क्वेश्चन भी आया था कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है, तो वह होता हमारा कौन सा, रेड, बताया था ना विविज्ञ और में मैंने, जैसे देखें हम विविज्ञ और में मैंने बताया था, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्ण उस सबसे कम होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था लाल रंग हमारा कम फैलता है, तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, फिर उसके बाद इसका होता है, ठीक है, ऑरेंज, फिर येलो का होता है। तो हमें बताना है कौन सा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, तुम्हारा ऑप्शन है रेड, तो रेड तो होगा नहीं, रेड का सबसे अधिक होता है, कम पूछा है, येलो, पीला, नीला और बैंगनी, अरे बैंगनी आ रहा है, बैंगनी तो ये रहा हमारा वायलेट,
सबसे लास्ट में तो सबसे कम इसी का होगा ना तरंग दैर्ध्य, और सबसे अधिक यही फैलता है। तो मैंने बताया था ना आपको पिछले क्वेश्चन में कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा वह कम फैलेगा, और जिसका सबसे कम होगा वह अधिक फैलेगा। तो आकाश में हमारे कौन कौन से कलर ज़्यादा फैलते हैं? ये वाले तीनों अधिक फैलते हैं, ठीक है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? बैंगनी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ठीक है, जो नेत्रदान करते हैं देखा होगा तो उसमें आंख के किस हिस्से को निकाला जाता है? तो बताइए कौन सा जो हिस्सा होता है वो दान किया जाता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या पूरी आंख? तो बताइए क्या इसका राइट आंसर। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों, तो अच्छे से देखना और याद रखना, आज ही इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो बताइए नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका कहने का मतलब यह है कि हम कितने आंखों के पास तक की दृष्टि को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो वह होती है हमारी कितनी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो बताइए नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। दोस्तों प्रकाश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बनते भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रकाश से। प्रकाश वाले चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे अच्छे से तब मैं और आपको क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। जैसा अभी तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं वो अच्छे से आप पढ़ते रहिए, जब हम चैप्टर को कवर करेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे इन सब के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो बताइए किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो फिर एक बार मैं लिख दूं, विवेक ग्योर, इसको मत भूलना दोस्तों, विवेक ग्योर। तो उच्चतम ऊर्जा की बात हो रही है, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो हम तो ऑप्शन देखेंगे, नीला है, हरा है, लाल है, पीला है। तो इसमें हम इधर की साइड से देखते हैं, तो लाल दिया है इसमें, हाँ दिया है, लाल के बाद ऑरेंज, ऑरेंज नहीं दिया, येलो, येलो, पीला दिया है, ठीक है, फिर इसके बाद ग्रीन दिया है। तो ये हमारे तीन दिए हैं, एक ये और एक ये, फिर उसके बाद हमारा नीला, तो नीला ये रहा, ठीक है। तो किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो दोस्तों मैं फिर एक बार आपको बताऊं कि जिसका प्रकीर्ण फैलना अधिक होता है उसमें ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है, और जो कम फैलता है उसमें ऊर्जा कम होती है। तो रेड कलर हमारा कम फैलता है, सबसे कम फैलता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, तो इसमें ऊर्जा सबसे कम होती है, ठीक है। फिर उसमें उससे कम होती है, इसमें इससे कम होती है, इसमें इससे कम होती है, फिर इसमें इससे कम होती है। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बाद में हमारा कौन सा आ रहा है? ब्लू, ठीक है, नीला आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? नीला प्रकाश, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं? अच्छा हाँ, बताइए इस क्वेश्चन को मोस्टली स्टूडेंट मैंने देखे हैं बहुत गलत करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना, बताइए। ज़्यादातर इसी को आंसर लगाते हैं, ये हमारा राइट आंसर नहीं है, ठीक है। डीसी को एसी में बदलने के लिए डीसी वोल्टेज को अपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ बताया कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, तो मुझे भी ना थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और आगे मैं भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो आप बताइए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो हमारे जो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं वह होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। दो तरीके के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होते हैं हमारे स्टेप अप, एक होते हैं स्टेप डाउन, ठीक है। तो याद रखना एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। देखा है ना गांव के बाहर लगा दिए जाते हैं लाइट को उपचयन या अपचयन करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। फ्यूज तार बना होता है, यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है? तांबे और लोहे का, तांबे और शीशे का, शीशा और टिन का, या शीशा का? तो बताइए क्या इसका राइट आंसर?
तो जो फ्यूज तार बना होता है वह बना होता है सीसा और टिन का। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत बार आया, आप कह रहे होंगे सारे क्वेश्चन आए ही हैं। हाँ, यह क्वेश्चन टेलीविजन वाला भी क्वेश्चन बहुत बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? यह तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर? ज्यादातर स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे देंगे, जे एल बेयर्ड। ठीक है दोस्तों, जे एल बेयर्ड। तो ये थे आज के हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों ऐसे ही इस सीरीज में मैं बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर कराने वाला हूँ। जब तक एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं आ रहा है, तब तक मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको कवर करा दूंगा। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए बी सक्सेस प्लस को, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।